एक मिनट। हमारा फोटो है ना? हाँ संतोष भाई। अरे का कैमरे एवढा उंच कसा होता? अरे ओके चलो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बढ़ते असंतोष की चिंगारी बढ़ते बढ़ते आदरणीय मुरली देवराजी, माननीय माणिकराव ठाकरे साहब, जोरदार ताली अपना आनंद व्यक्त करिए। कितने कितनी विभूतियां हमारे बीच पे उपस्थित हैं, सभी लोगों का हम यहाँ पे हार्दिक स्वागत करें। माननीय शिवाजीराव देशमुख साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका विनती कर दो, जोरदार ताली से उनका भी यहाँ पे स्वागत। उपस्थित राहिल्याबद्दल त्यांचं मनापासून स्वागत। आज यहां पर विशेष रूप से कांग्रेस के सीनियर लीडर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव नंदन द्विवेदी जी पधारे हैं। महाराष्ट्र के लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री सम्मानी श्री पृथ्वीराज चौहान साहब, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय माणिकराव जी ठाकरे, महाराष्ट्र विधान परिषद के सम्मानीय सभापति परमादरणीय श्री शिवाजीराव देशमुख साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव द्वय सम्मानी सम्मानी मुरली भाई देवरा जी, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के सम्मानी सदस्यगण, महाराष्ट्र के दूसरे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एकनाथ गायकवाड़ जी, सभी मंत्रीगण नसीम खान जी, सुरेश शेट्टी जी, वर्षा गायकवाड़ जी, सभी सम्मानीय विधायकगण, विधान परिषद के सम्मानीय सदस्य उपस्थित, सुरेश शेट्टी और सभी मतलब जितने हमारे कांग्रेस पार्टी के मुंबई कांग्रेस के
पदाधिकारी सेवादल एनएसयूआई युवक कांग्रेस महिला कांग्रेस के सभी यहां पदाधिकारी आप सब लोग इतिहास बताने की जरूरत नहीं लेकिन इतिहास को देखना जानना बहुत जरूरी है। हमारी आपकी सबकी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया जी गांधी ने 125वें वर्ष के इतिहास में चौथी बार जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभाला है उसके बाद आने वाले इस देश के भविष्य राहुल जी गांधी ने जिस परंपरा को लेकर चल रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भारत देश में और न्यायोपित जिन्होंने हमेशा कांग्रेस का मार्गदर्शन किया परम आदरणीय प्रभाकर कुंटे साहब उपस्थित है। दूसरे हमारे साहित्य क्षेत्र में जिनका नाम महाराष्ट्र भूषण हमारे कवि मंगेश पड़गावकर जी उपस्थित है यहाँ पे मैं दूसरे हमारे पोपटराव पवार साहब हैं और एक लड़की जो सुधा सिंह जो रेलवे में डीसी है जिन्होंने अभी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पाई है वो भी यहाँ उपस्थित है। कार्यक्रम करने के बाद अगला चलेगा अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय मानिकराव ठाकरे जी आदरणीय जनार्दन द्विवेदी जी को लेके शिवाजी राव जी सुख शाम मुरली भाई देवरा मोहन प्रकाश जी हमारे प्रवीण राजपाल साहब और हमारे ये जो बसंत ननावरे नरेंद्र वाले तुम्हें मंगेश पड़गावकर साहब कुंटे स्टेज में चला इस कमी करा गया बी आर पटेल जी ने विनंती करतो कि आपण मंचावर यावं लक्ष्मी अँड भट्टजी ने विनंती कृपया मंचावर यावं जोरदार टाळ्या वाजवून आनंद व्यक्त करीन होतोय जोरदार टाळ्या वाजून आपला आनंद व्यक्त करा। पहाटे आज 3 वाजता ते दौऱ्यावर आले आणि पुन्हा 11 वाजता या कार्यक्रमाला वयाच्या 82व्या वर्षी ते इथे उपस्थित माननीय पोपटराव पवारांना विनंती करतो कृपया आपण मंचावर यावं म्हणजे फक्त टाळ्यांचा त्यांची साथ असते त्यांना मी विनंती आपल्या सर्वांच्या वतीने करतो जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये माननीय सुरेश वाडकर साहेबांना विनंती करतो की ओंकार स्वरूप तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांचा स्वागत करतील। माझी आपल्याला विनंती आहे की जोवर हे सत्कार समारंभ चालू तोवर इथलं पहिल्या रांगेपासून शेवटच्या रांगेपर्यंत टाळ्यांचा गजर कायम राहू द्या अशी विनंती करतो। यानंतर माननीय माणिकराव ठाकरे साहेबांचा सत्कार माननीय शिवाजीराव देशमुख साहेब विशेष करून या कार्यक्रमाला दिल्लीवर इथे उपस्थित झालेले आहेत माननीय सुरेश शेट्टीजी प्रवीण राष्ट्रपालजी जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपला आनंद व्यक्त करून येईल। पंडित सुरेश वाडकर माननीय पोपटराव पवारजी साहेबांचा सत्कार स्वागत साहेबांचा अनुरोध करता हूं कि इसका प्रकाशन करें दीनदर्शिका का यहां पर विमोचन हो रहा है। जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आता यानंतर कॅलेंडरचे इथे उद्घाटन शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्षाच्या कॅलेंडरचं आता इथे विमोचन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी करावं अशी विनंती करतो।